सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने के प्रयास में, वो चाहे साधारण किसान से लेके बड़े से बड़ा ब्रीडर हो या फिर कोई हाईटेक डेयरी फार्म चलाने वाले पशुपालक, हम रूटीन से एक से दो वीडियो आप भाइयों के समक्ष लेके आ रहे हैं। उसी प्रयास में हम जो युवा पशुपालक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे के सामने लेके आने का जो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर मुर्रा के प्रति युवा जागरूक होते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे सीमन या अच्छे बुल तैयार करेंगे, अच्छी झोटियाँ तैयार होंगी, तो भविष्य में भी आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी का पशुधन देखने को मिलेगा। आज की वीडियो फिर से हम लेके आ रहे हैं झज्जर जिले का काफ़ी जाना माना गांव डिग्गल से तेजू भाई के पास से। तेजू भाई एक से दो पशु रखते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ही पशु लेके आते हैं बार बार, तो आज एक बार सबसे पहले आपको मिलवाते हैं और इस झोटी के बारे में डिटेल से जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। तेजू भाई एक तो थोड़ा तेज बोलो, ये झोटी अपने पास कौन से ब्यात की है? ये मंजीत भाई पहले ब्यात में आओगी। अच्छा, फर्स्ट टाइमर है। और कितना टाइम बाकी है? 20 दिन बाकी फिलहाल। झोटी जिस हिसाब से क्वालिटी वाइज झोटी है, इसकी मदर का मिल्क वगैरह भाई साहब कुछ पता है? इसकी मदर का भाई 23 किलो। 23 किलो। और ये कौन से बुल की है? ये बुल है भाई युवराज की कटड़ी है। युवराज की। अभी लगभग लगभग कितना टाइम बाकी है? 20 दिन बाकी है भाई और दो दांत है। दो दांत। एक बार खोलना इसको। पहले ब्यात की दो दांत झोटी, क्योंकि दो और चार दांत झोटी है वो फर्स्ट टाइम में काउंट होती है नहीं, उसके बाद छः या आठ दांत या दांतों में मिलने के बाद आपको काफ़ी जो फर्स्ट टाइमर बताने वाले मिल जाएंगे। साइज झोटी का काफ़ी अच्छे साइज की है और बिल्कुल छोटे सींग की, क्योंकि पहले ब्यात की झोटियाँ जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है, हर कोई चाहता है कि अच्छा पशु जो हो तो एक से दो ब्यात हम रख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी चौड़े पीठ पुट्ठे की, अभी 20 दिन का टाइम बाकी है। पहले ब्यात की झोटी तकरीबन बच्चा देने के बाद भी एक से डेढ़ महीने का टाइम जो है नीचे से बढ़ने में या जो निखरने में ले लेती है। अभी से आप देख सकते हैं जो टीच की क्वालिटी है या हम साइज कहेंगे फिर से, क्योंकि ऐसे तो बड़ी बड़े साइज की भैंसें आपने काफ़ी कैमरे के सामने रेगुलर आ रही हैं, लेकिन पहले ब्यात की झोटी ये देखिए बिल्कुल जो सींग है बिल्कुल छोटा सींग, छोटा हेड और दो दांत झोटी है, क्योंकि अच्छे पशु सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं भाई। ये देखिए जो एक अच्छे दुधारू पशु की पहचान, इसकी जो नसें आप देख पा रहे हैं जो बॉडी के अंदर आपको क्लियर दिखाई पड़ रही है, टेल नीचे से तकरीबन 1 इंच वाइट है। तेजू भाई एक बार फिर से खोल लो इसको, एक राउंड फिर से लगवा दो। काफ़ी बड़े साइज की मदर मिल्क 23 किलो। युवराज काफ़ी हम कहेंगे मुर्रा पे अगर शुरुआत कहीं से हुई थी तो वो युवराज से हुई थी। ये देखिए झोटी का साइज फिर से, क्योंकि अच्छे पशु पे ही बोलने का थोड़ा मन करता है, तो कोई भी भाई जो अच्छा शौकीन है अच्छे पशु खरीदने का तो वो इस झोटी को इनके पास खरीद सकता है। तेजू भाई का जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर चल रहा है। इस तरह का पशुधन बार बार कैमरे के सामने काफ़ी कम आ पाता है। ये देखिए अब आप आंकलन कर सकते हैं झोटी किस साइज की है, बिल्कुल शो क्वालिटी का जो इसका फेस और चमड़ी बिल्कुल पतली जेड ब्लैक कलर, क्योंकि अंदर जब आती है तो यहाँ पे सामने से जो धूप है उसकी वजह से रेडनेस दिखाई पड़ रही है। बहुत ही बेहतरीन जो ये मुर्रा का पशुधन भाई ने हमारे चैनल पे दिखाया, उसके लिए हम भाई का भी धन्यवाद करते हैं और प्रयास करते हैं कि रेगुलर ऐसे ही पशुधन हम आपको दिखाते रहें। ये देखिए दूसरी साइड से भी जो ऑर्डर की क्वालिटी है बहुत ही शानदार, जो बिल्कुल बहुत चौड़े बिल्कुल बड़ी भैंस का भी इतने जो पुट्ठे की चौड़ाई आपको नहीं मिलेगी, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड मार्केट की फर्स्ट टाइम की ये झोटी हम दिखा रहे हैं आप भाइयों को। कोई भी भाई खरीदना चाहता है या जो हर भाई खरीदने का भी शौकीन नहीं देखने के भी शौकीन होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये झोटी जब पूरे बन के आएगी उस टाइम तक भाई की काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक अच्छी ब्लड लाइन से झोटी मंजीत भाई 18 किलो से नीचे नहीं रहोगी पहले ही ब्यात में। पहले ही ब्यात, क्योंकि अगर भाई ओरिजिनलिटी है ना सीमन की और जो भैंस का रिकॉर्ड, तो फिर उम्मीद कर सकते हैं। बाकी साइज बहुत बड़ा है, दूध ऐसा नहीं कि साइज छोटा है। ये देखिए
तो किसी भी तरह के अदर डिटेल के लिए भाई का जो मोबाइल नंबर है वो रेगुलर चल रहा है, आप अधिक जानकारी के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये पशुधन कैमरे के सामने लेके आए, इसलिए हम भाई का भी धन्यवाद करते हैं। सभी भाई जो वीडियो देख पा रहे हैं, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम।